सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत जब उनके साथ हादसा हुआ तो उसके बाद कई सारी खबरें सामने आने लगी। पहली खबर तो ये थी कि सुशांत सिंह राजपूत के गले पर जो निशान बना है वो क्या जो उनका कपड़ा हरे रंग का जो कुर्ता लटका हुआ था क्या उसी से बना है। इसी के साथ आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के गले पर बने निशान का सच आखिर क्या है। ऐसे में फेसबुक पर एक पोस्ट सामने आई सीमा सिंह के नाम की एक लड़की की, जहां पर उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखा है कि यहां पर सुशांत सिंह राजपूत के गले पर जो निशान है वो निशान सुशांत सिंह राजपूत के गले पर किसी कपड़े के नहीं बल्कि एक बेल्ट के है, जिसका खुलासा खुद पुलिस ने भी किया कि बाथरोब की उन्हें बेल्ट मिली थी और उस बेल्ट से सुशांत ने पहले खुद का गला दबाने की कोशिश की थी। लेकिन अब खबर ये आई है कि सुशांत सिंह राजपूत के गले पर जो निशान है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा निशान है और वो बाथरोब की बेल्ट का निशान नहीं है, वो निशान सुशांत सिंह राजपूत के डॉगी फज की बेल्ट का निशान है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। सीमा सिंह ने इस पोस्ट में लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में कि जब 13 तारीख जून को जब सुशांत ने रूमी जाफरी के साथ हुई डील की खुशी में एक पार्टी अपने घर पर रखी थी तो यहाँ पर कई बड़े लोग शामिल हुए थे। सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती तो नहीं थी, लेकिन हाँ सिद्धार्थ पिठानी के साथ यहाँ पर आए थे उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और बाकी संदीप सिंह और भी कई सारे दोस्त। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर पार्टी हुई, सेलिब्रेशन हुआ, सुशांत को काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करवाई गई, सुशांत नशे में हो गए। इसी मौके का पूरा फ़ायदा उठाया गया, डॉगी फज की बेल्ट निकाल दी गई और उस बेल्ट का इस्तेमाल कर सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हादसा हुआ वो हादसा अब खुलकर सामने आ रहा है सीमा सिंह की पोस्ट के बाद कि सुशांत के गले पर जो निशान बने हैं वो उनके डॉगी फज की बेल्ट के निशान के हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, सुशांत के डॉग फज के बेल्ट के निशान सुशांत के गले पर है, जहाँ पर पीछे से किसी ने गले पर वार किया है, गले को दबाने की कोशिश की है। सुशांत इतनी ज़्यादा नशे में थे, इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी उन्होंने कि वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बचा नहीं पा रहे थे, ऐसा खुलासा उन्होंने करा है, जिसकी सच्चाई उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के सीसीटीवी फुटेज की फुटेज 13 जून को ही बंद कर दिए गए थे, क्योंकि यहाँ पर ये सब कुछ 13 जून की रात ही हो चुका था और ये सारी चीज़ें, ये सारे लोग सुशांत सिंह राजपूत के घर जितने भी लोग आए थे पार्टी के दौरान, उन सब की शक्लें, उन सब की फुटेज कैद हुई है उनके सामने वाली बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में। अब सवाल ये है कि आखिर जब सामने वाली बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है तो पुलिस उस पर क्यों नहीं देख रही, क्यों नहीं जांच कर रही और क्यों नहीं सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रही कि आखिर क्या 13 तारीख को सुशांत के घर पर पार्टी हुई थी तो उस पार्टी में कौन कौन लोग आए थे और क्या हुआ था सुशांत के साथ 13 तारीख को और अगले दिन सुबह क्या हुआ। ये कई सारी खबरें सामने आ रही है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, जिसके बारे में अभी तक ना तो मुंबई पुलिस ने कोई कन्फर्मेशन दी है ना ही कहीं और से कुछ पता चला है, लेकिन सीमा सिंह ने ऐसी पोस्ट की है कि सब कुछ ऐसा ही हुआ है, कोई माने या ना माने। नेक्स्ट लाइव से रश्मि की रिपोर्ट।